हाय दोस्तों, मैं आशीष मौर्य। दोस्तों, यह टाटा 207 ओल्ड मॉडल है। इसके इंजन के ऑयल को हमने पार्ट वन में चेंज किए थे। अब हम पार्ट टू में इसके डीजल फिल्टर को चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम 13 नंबर से डीजल फिल्टर के बोल्ट को कुछ इस तरह से खोलेंगे। इसके डीजल फिल्टर के बोल्ट को खोल लेंगे। इस तरह से डीजल फिल्टर को हम बाहर निकाल लेंगे। दूसरे फिल्टर को भी हम खोलेंगे। और इस तरह से घुमाकर फिल्टर को बाहर निकालेंगे। दोस्तों, आप देख सकते हैं डीजल फिल्टर का पेपर बिल्कुल काला हो चुका है। ये नए फिल्टर हैं, बोश कंपनी के हैं। इसको हम लगाएंगे। डीजल फिल्टर को हम इस तरह से लगाएंगे। ये हिस्सा ऊपर की तरफ रहेगा। दोनों गिलासी में हम डीजल फिल्टर को इस तरह से लगा लेंगे। अब डीजल फिल्टर बॉडी के ओरिंग को हम चेंज कर लेंगे। इस तरह से ओरिंग को निकालने के बाद इसमें हम नए ओरिंग को लगाएंगे। इस तरह से नए ओरिंग को डीजल फिल्टर बॉडी में फिट कर देंगे। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक व शेयर ज़रूर करें। अब डीजल फिल्टर को हम टाइट कर लेंगे। इस तरह से दोनों फिल्टर को हम टाइट करेंगे। अब हम फिल्टर के एयर को निकालेंगे। ये जो आप देख रहे हैं, ये 19 नंबर का बेंजो बोल्ट है। इसमें एक 10 नंबर का एयर स्क्रू लगता है, लेकिन वो है नहीं इसमें, इसलिए हम बेंजो बोल्ट को ही ढीला कर देंगे। इसमें 19 नंबर का स्पाइनर लगेगा। ये लूज करने के बाद हैंड प्राइमर से हम एयर इसका निकालेंगे। आप देख सकते हैं ये एयर निकल रहा है। डीजल जब साफ़ हो जाए तब इसके वेंजो वोल्ट को हम टाइट कर लेंगे। टाइट करने के बाद गाड़ी को हम स्टार्ट करके चेक कर लेंगे कि कहीं से लीकेज तो नहीं है। यह बिल्कुल ठीक है।